तो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, होनोट्रॉन हियर। आप सभी लोग का स्वागत है माइनक्राफ्ट का और एक नया वीडियो पर। तो गाइस, अब मैं हूँ आरएलक्राफ्ट का वर्ल्ड पे। और गाइस, बोला जाता है कि माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्जन आरएलक्राफ्ट है। और मैंने सुना कि इस वर्ल्ड में लगभग 150 के ऊपर मॉड्स इंस्टॉल किया हुआ है और मैं यहाँ पे कभी भी मर सकता हूँ। मेरा मतलब, आप इस वर्ल्ड में जो भी जानवर को देखोगे शायद से वो आपको मार सकता है। खत्म। ये वर्ल्ड कितना भी हार्ड होने दो, मैं तो हार्ड कोर ही खेलूंगा। अरे मजाक कर रहा था भाई, सर्वाइवल ही खेलूंगा। तो गाइस, स्पॉन लोकेशन में मुझे बहुत ज्यादा एयर बलून दिख रहा था, बट यार मुझे पता नहीं वहाँ पे कोई लूट रहेगा कि नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ना आरएलक्राफ्ट का बेसिक सिखाता हूँ, जो मैं भी किसी और यूट्यूबर से सीख के आया भाई। तो गाइस, आरएलक्राफ्ट के वर्ल्ड में ना आप सीधा पेड़ को मुक्का मार के पेड़ नहीं काट सकते जैसे माइनक्राफ्ट में होते हैं। यहाँ पे आपको उससे पहले बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है भाई। जैसे कि कोबलस्टोन के लिए भी हमें जमीन से 4 पत्थर उठा के उसे जोड़ना पड़ता है, और लीव्स को तोड़ने से हमें स्टिक मिलता है जिसे हम लोग पत्थर के साथ जोड़ के हम लोग अपना पहला स्टोन का डैगर बना सकते हैं। अरे थैंक यू जी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ रहा था तो यार मैंने हवा में एक पैलेस देखा और मेरे बगल में एक बटरफ्लाई देखा। पहले मुझे लगा ये मुझे मारेगा, बट यार इसके नजदीक जाने पे मुझे रीजनरेशन का इफेक्ट मिल रहा था। मतलब यार यहाँ पे फ्रेंडली क्रिएचर्स भी हैं, और मुझे नजदीक में ही एक विलेज दिख रहा था, तो यार मैं सोचा उसको पहले एक्सप्लोर कर देते हैं। यार मुझे लग रहा है इस विलेज में किसी को सीधा खड़े होने का आदत नहीं है, कभी कोई घास फूस के बीच में तो कभी कोई दरवाजे के आर पार। वैसे इस विलेज का पहला घर में से मैंने बेड उठाया और चेस्ट में तो कुछ था नहीं, बट यार कुछ भी बोलो, इस वर्ल्ड में अपुन भी खतरनाक लग रहा है भाई। अबे साले। और लेदर वर्कर्स घर से बाहर जाते ही मैंने पैंट चुरा लिया, अब तो और मस्त दिख रहा हूँ भाई। विलेज को एक्सप्लोर करते करते मैंने एक गुफा के अंदर एक प्राणी को देखा। यार दिखने में ये तो टूथपेस्ट जैसा दिख रहा था, फिर वो अपना काम करने लग गया और मैं विलेज को लूटने, मेरा मतलब एक्सप्लोर करने। और इस घर पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल उठाया और बाहर आते ही मैंने एक प्राणी को देखा जिसके पास जाते ही मुझे ग्लोइंग और नाइट विजन का इफेक्ट मिल रहा था। यार फॉर सम रीजन मुझे इस इफेक्ट की वजह से मेरा स्किन बहुत ही अजीब दिख रहा था। उसके बाद मुझे एक घर का चेस्ट में से पानी का बॉटल, गोल्डन हेलमेट और एक बेकन मिला। वैसे यार मैं अभी के लिए गोल्डन हेलमेट पहन नहीं पा रहा था, बिकॉज यार मेरा लेवल काफी कम था। एंड उसके बाद मैं इस विलेज का सबसे बड़ा वाला बिल्डिंग लूटने गया। ये रूम देखने में लाइब्रेरी जैसा था, लेकिन यार यहाँ का चेस्ट में एक भी लूट नहीं था। यार सच्ची बताओ क्या मस्त लग रहा हूँ। अरे तू जा रही। और फाइनली मुझे इस रूम में खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा लूट मिला ब्रो। फिर बाहर आते ही मैंने एक केकड़ा को मारा। मगर क्यों? अरे बोर हो रहा था ब्रो। वैसे मैं डरपोक नहीं हूँ, पहली रात आरएलक्राफ्ट में बाहर ही सोया मैं। सुबह होते ही मैंने मेरे एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखा। मुझे पानी में एक घर दिख रहा था, और गाइस उस घर में से मुझे वाटर बकेट भी मिला। अब तो हम लोग फॉल डैमेज से तो बच सकते हैं, एंड जब भी प्यास लगे पानी भी पी सकते हैं। वैसे गाइस आपको पता है ना ये कौन सी जगह है? नहीं। अगर आपने ये जगह देखा ना गाइस, तो चुपचाप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन भाग जाओ। और यहाँ पर डायनोसर्स भी थे, लेकिन यार ये क्रिएचर काफी फ्रेंडली है। वैसे गाइस इस जगह से दूर भागने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा था, बिकॉज यार वो जलपरी है एंड वो गाना गा के बुलाती है। मगर जाने का नहीं, बट अगर चले गए तो खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया, समझ रहे हो? इसीलिए मैं भी उससे दूर ही भागता हूँ। रुको जरा। क्यों भाई, क्या हुआ? सबर करो। तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि मुझे और एक विलेज सामने दिख रहा था, तो मैं उसके और भाग रहा था। अरे नहीं 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 नहीं, खत्म। अरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज दैट शॉट? हां भाई, आगे स्वाद। यार इसीलिए बोलता हूँ, जलपरी बुलाती है तो जाने का नहीं। अब देखो भाई, मेरा सारा लूट गायब हो गया। नूब। तो गाइस मैंने वापस से पत्थर से एक स्टोन डैगर बनाया, और इस बार ग्रेवल भी बगल में था तो यार मैंने फ्लिंट भी कलेक्ट किया। फिर हम लोग फ्लिंट को पत्थर में तोड़ के फ्लिंट श्राउड बना सकते हैं, जिससे मैंने एक फ्लिंट नाइफ भी बनाया। फिर उस नाइफ से मैंने प्लांट्स को काटा, जिससे मुझे प्लांट फाइबर मिला। फिर 3 प्लांट फाइबर से मैं प्लांट स्ट्रिंग बना पाया, जिससे फाइनली अब मैं एक फ्लिंट का हैचेट बना सकता हूँ, और हैचेट को यूज करके मैं फाइनली एक पेड़ को तोड़ सकता हूँ। अब मुझे इससे वुड तो मिल गया, लेकिन यार वुड से प्लैंक में कन्वर्ट करने का टेक्निक मैं अभी तक नहीं सीखा ब्रो। आए, हाय हाय हाय। फिर जलपरी का गुस्सा मैंने एक गांव माता पे उतार दिया। वैसे यार आरएलक्राफ्ट में हर एक चीज करने के लिए हम लोग को उस पर्टिकुलर चीज का स्किल को बढ़ाना होता है। और बढ़ाएंगे कैसे? जैसे जैसे अपना एक्सपी बढ़ेगा, उस एक्सपी को हम लोग इन सब चीजों में स्पेंड कर सकते हैं। अरे हाँ ब्रो, जैसे कि शुगर कैन को काटने के लिए भी ना मुझे फार्मिंग का लेवल 4 चाहिए रहता है। तो गाइस इसी बात पे मैं आप लोग को और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, वो ये है कि गाइस हम लोग का चैनल 200K के लिए बहुत करीब है।
मेरा मतलब इतना भी करीब नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हो जाएगा। तो गाइस जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं एक माउंटेन के ऊपर हूँ, एंड अगर मैं यहाँ से ध्यान से नहीं उतरूंगा तो गाइस शायद से मुझे अलग अलग जगह पे डैमेज पड़ सकता है। देखो बात यह है कि यहाँ पे मेरे हेल्थ पूरा बॉडी पे अलग अलग जगह पे स्प्लिट हुए हैं। अगर मैं सर पे मार काऊंगा, मेरा मतलब हेडशॉट काऊंगा, तो शायद मैं मर भी जाऊंगा। और उसके बाद मैंने पहाड़ पे एक बहुत ही अजीब सा प्राणी को देखा, फिर उसको देख के भागने के टाइम पे यार ऑलरेडी मेरे पे हाइपोथर्मिया हो गया और ऊपर से एक सुटली बम मुझ पे बॉम्ब फेंक रहा था। भाई यार ये तो अलग ही टाइप का जंतु है भाई। फिर उससे भागने का कोशिश कर ही रहा था तब तक एक कंकाल मुझे हेडशॉट मार दिया रे। लाइक सीरियसली यार मेरा अभी हेड का हेल्थ देखो। और गाइस यहाँ पे हम लोग काना खा के हेल्थ नहीं बढ़ा सकते, हमें हेल्थ बढ़ाने के लिए फर्स्ट एड की नहीं तो बैंडेजेस बनाना पड़ता है। वही तो भाई सारा मूड खराब हो गया। फिर मुझे रास्ते में आयरन का आर्मर मिला, मुझे पता है मैं अभी पहन नहीं सकता हूँ बिकॉज यार मेरा लेवल बहुत कम है, बट यार लेके रखने में क्या जाता है। बात तो सही है। वैसे यार यहाँ का ज़ॉम्बीज भी ना बहुत अजीब तरीके में चलते हैं, और इसको लगता है कि ये मेरे को मार देगा। पागल है क्या? अरे छीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के मार दूंगा ज़ॉम्बी को। क्या बोला रे? अरे कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा था यार। ऐसा लगता है जैसे इस गेम में मैं चाय वाले को भी नहीं मार सकता हूँ भाई। वैसे यार आरएल क्राफ्ट रात को काफी ब्यूटीफुल दिखता है ब्रो, जितना ब्यूटीफुल है उतना ही खतरनाक है भाई। और गाइस भागते भागते मुझे लावा दिखा, एंड गाइस इसके वजह से मुझे और एक चीज मालूम पड़ा, ये जो गोल गोल सर्कल दिख रहे हैं ये एक्चुअली अपना टेम्परेचर बताता है ब्रो। जैसे मैं लावा से दूर जाऊंगा मुझे ठंड लगेगा, लेकिन जैसे मैं लावा के नजदीक पहुंचूंगा यार मैं वार्म फील करूंगा। अच्छा। और गाइस यहाँ पे लंबू के नजदीक पहुंचते ही अपना स्क्रीन ब्लर हो जाता है। फिर तो यार मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था, मेरे पीछे एक पानी वाला मॉन्स्टर पड़ गया भाई। How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. यार उसको देखते ही मैं इतना तेज भागा क्या ही बताओ भाई, आखिरकार मैं मर ही गया। यार ऐसा मत देखो भाई, अब मुझे ही डाउट हो रहा है कि मैं आरक तब खेलने आया कि मरने आया। अब क्या मैंने वापस से ग्रेवल से फ्लिंट कलेक्ट किया, लेकिन यार इस बार मुझे टूथ फेरी दिख रहे थे और वो लोग मुझे देख के हंस के बात भी कर रहे थे ब्रो। चल झूठा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ ब्रो, वो लोग सच्ची में बात कर रहे थे। फिर मुझे आगे एक स्टोन टेम्पल दिख रहा था, और गाइस इस टेम्पल के अंदर ना एक चेस्ट भी था, लेकिन उसके आस पास पूरा प्रेशर प्लेट से भरा हुआ था। मुझे लग रहा कि अगर मैं इस पे पैर दूंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा, तो मैं इस प्रेशर प्लेट को तोड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक एक नूबड़ा ज़ॉम्बी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया ब्रो। तो मैं थोड़ा सा पीछे हटा, तब तक पीछे से जॉनी आके मुझे कत्ल कर दिया भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बोल मत भाई, मत बोल नूब। फिर मैंने वापस से समुद्र के अंदर एक घर देखा, लेकिन यार वो घर तक पहुंचने से पहले कुछ अजीब सा प्राणी उड़ उड़ के मुझे मारने लग गया। फिर मैं कैसे तो वापस से मार खाते खाते वो घर तक पहुंच गया, और उस घर पे मुझे 3 अंडा और एक हो मिला। फिर मैं जैसे पानी में कूदने वाला था वो प्राणी मुझे वापस नजर आया। फिर क्या मैं घर के अंदर का गड्ढा यूज करके पानी से बचने का कोशिश किया, इसके आगे का कहानी तो आपको भी पता है। तो इस बार तो मैं सीधा पानी के अंदर ही स्पॉन हो गया, लेकिन यार लकीली उस पानी के बाहर ही एक कासल भी था। ये कासल में वैसे कोई नहीं था, लेकिन यार मुझे लूटने के लिए थोड़ा वुड और खाने के लिए एप्पल भी मिला, और वैसे कासल के नीचे एक जहाज भी था, तो यार मैंने सोचा चलो लूट लेते हैं। वैसे मुझे जहाज के अंदर आर्मर और बैंडेज मिला, वैसे यार बैंडेज देके मैं काफी खुश था, लेकिन यार जैसे मेरे बुलबुले खत्म हुए यार मैं भी खत्म हो गया पानी के अंदर। यार सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं इस बार मर गया तो यार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अरे कैमरा क्लोजअप कर भाई। तो इस बार मैं बहुत ध्यान से खेलने वाला हूँ और मैं बहुत कुछ अनलॉक करने वाला हूँ। शाबाश बेटा। अरे थैंक यू जी। तो यार मैं पहाड़ चढ़ते ही एक बहुत ही अजीब सा प्राणी को देखा जो बकरा जैसा आवाज निकाल रहा था। दिखने में ये हार्मलेस लग रहा था, तो यार मैंने भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर और पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझे एक एमराल्ड का ब्लॉक दिखा, लेकिन यार उसे माइन करने के लिए मेरा माइनिंग का लेवल 8 होना चाहिए। फिर मुझे एक बहुत ही सुंदर पेड़ दिखा, वो पेड़ वैसे ग्लो हो रहा था तो मुझे लगा वहाँ पे नीचे हम लोग ज्यादा सेफ रहेंगे, लेकिन नहीं, जैसे मैं उस पेड़ के नजदीक गया एक नूबड़ा कंकाल ने मुझे हेडशॉट दे दिया। तो गाइस इस बार मैं शायद से रेगिस्तान में स्पॉन हुआ है, एंड शायद से ये रात का टाइम है तो यार कभी भी खतरा अपना आसपास भटक सकता है, बट यार लकीली मुझे एक विलेज मिल गया। और जैसे मैं विलेज के ओर जाना शुरू किया, यार रेगिस्तान के आतंकवादी मुझ पर हमला करना शुरू कर दिए भाई, बट फिर भी मैं उछलते उछलते कैसे तो वो घर तक पहुंच गया। शायद वो लोग खुद पे ही काफी डिसअपॉइंटेड थे, एंड मैंने माइनक्राफ्ट में पहली बार शेर को देखा
जो बाकी सबसे लड़ रहा था। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे गाइस, ये जगह के अंदर आते ही मैं काफी सेफ फील कर रहा था, और इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ही विलेजर्स थे ब्रो, और इनके पास काफी अच्छा लूट भी था। और यहाँ पे भी वो टूथपेस्ट वाली मॉब घूम रही थी भाई। यहाँ के चेस्ट में मुझे फर्स्ट एड किट से लेके बैंडेज तक सब कुछ मिल गया। फिर मैं थोड़ा सा इस बिल्डिंग को घूम के देखा, और बस 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे काफी सेफ हूँ। ये फंस गया सी एम। मैं बच गया, अब ये फंस गया सीएम। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो गाइस, इसके आगे अगर मैं खेलूंगा तो मैं सच्ची में पागल हो जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा तो गाइस नंबर 650 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नट्रॉन साइनिंग ऑफ।